तो कुछ दिन पहले मैं 31 का हुआ हूँ। 31 कहते हुए मुझे अपने आप से सही अंकल वाली फील्स आ रही हैं, लेकिन खैर उस टाइम के अंदर मैंने बहुत सा कुछ सीखा है। बहुत कई दफ़ा गिरा हूँ, कई दफ़ा फेल हुआ हूँ, कई दफ़ा लोगों की बातें भी सुनी हैं, लेकिन हर दफ़ा कुछ नया सीखा है। और सीखते सीखते मैं आज एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पे यू नो ज़िंदगी थोड़ी सी रिलैक्स लगती है, लगता है कि यार कुछ फिगर आउट कर लिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि आपको अपनी ज़िंदगी के 5 सबसे बड़े लेसन्स जो है वो शेयर किए जाएं। सो हियर वी गो। जिंदगी आपको बहुत से मौके देगी, आपको जिंदगी की हर स्टेज पर डिफरेंट मौके नजर आएंगे, आपको काम करने और काम सीखने के बहुत से मौके मिलेंगे, क्योंकि धरती पे सिर्फ एग्जिस्ट करना भी मीन्स कि आपको अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं हो सकती, बट ये आप पर होगा कि आप वो अपॉर्चुनिटीज अवेल करें या ना करें। एक मुहावरा जो कि लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं जिसे कहते हैं मौके पे चौका मारना। अब आपकी गिरफ्त जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग होंगे ना वो इस आर्ट में एक्सपर्ट होंगे और आपकी बारी भी आएगी, आपको भी मौके पे चौका मारने का मौका मिलेगा। लेकिन उस टाइम पे मैटर ये करेगा कि क्या वो आप काम करें या उस टाइम ये सोचें यार कि ये तो काम छोटा सा है। और बात ये है कि कोई काम छोटा नहीं होता, ये सिर्फ हमने बनाया हुआ है यार कि ओ ये बंदा ड्राइवर है, ओ ये बंदा रेडी लगाता है, ओ ये बंदा कारपेंटर है। बात यह है कि यार आपको क्या पता कि वो रेडी वाला या वो कारपेंटर या वो छोटा सा जो बिजनेसमैन है वो कल को क्या चीज़ इवेंचुअली बन जाए। सो कभी किसी काम या इंसान को छोटा मत समझना, अपने दिल की सुनना ना भूलना, क्योंकि जिस दिन तुम अपने दिल को छोड़ के औरों की सुनना शुरू कर दोगे, जिस दिन तुम उस चीज़ के पीछे भागना शुरू कर दोगे जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, तो तुम क्राउड में गुम हो जाओगे। और जिस दिन गुम हो गए उस दिन तुम्हारी अपनी पहचान कोई नहीं रहेगी, और जिस दिन तुम्हारी पहचान खत्म हो गई उस दिन तुम ये भूल जाओगे कि तुम मेरी जिंदगी का एक्चुअली मकसद क्या है। तो हमेशा वो करना जिस पे तुम्हारा दिल चाहता है, क्योंकि अगर तुम औरों के रास्ते पर चल के लेट से एक दिन कामयाब हो भी गए पर तुम्हारा कभी भी दिल सेटिस्फाई नहीं होगा, तुम्हारा दिल कभी भी मुतमईन नहीं होगा। और अगर दिल को मुतमईन ना कर पाए तो जिंदगी की कोई चीज़ जो है वो तुम्हें खुशी नहीं दे पाएगी। और इससे आते हैं मकसद पे। जिंदगी में अपना मकसद जरूर ढूंढना, ये जरूर ढूंढना कि खुदा ने तुम्हें इस दुनिया में एक्चुअली भेजा क्यों है। क्या वो लोगों की खिदमत करना है, क्या वो गरीबों के काम आना है, क्या वो जानवरों की हेल्प करना है, क्या वो कोई बिजनेसमैन बनना है, क्या वो कोई एंटरप्रेन्योर बनना है, क्या वो कोई गेमर बनना है, क्या वो कोई आर्टिस्ट बनना है। यू हैव टू फिगर दैट आउट, क्योंकि जब तक तुम्हें इस सवाल का जवाब ना मिला तुम एक भूल भुलैया में घूमते रहोगे, तुम ढूंढते रहोगे कि यार मेरी जिंदगी में आने का मकसद क्या था। और तुम जिंदगी को कभी अप्रिशिएट करना नहीं सीखोगे जब तक तुम अपना मकसद ना ढूंढ लो। और ये वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढने में तुम्हें सबसे ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन अगर तुम कुछ बनना चाहते हो, अगर तुम अपना दुनिया में नाम बनाना चाहते हो, तो इस सवाल का जवाब ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिंदगी से कभी मायूस ना होना। जब तुम देखोगे कि जिंदगी तुम्हारी तरफ नहीं जा रही, तुम ट्राई भी कर रहे हो फिर भी कुछ भी चेंज नहीं हो पा रहा, तो इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आएगा कि तुम्हारे ऊपर एक मायूसी सी छा जाएगी और तुम ऊपर देख के कहोगे कि भाई आखिर मैं क्यों, मुझे और क्या करना होगा अपनी किस्मत बदलने के लिए, अपनी जिंदगी बदलने के लिए। उस टाइम तक मायूसी तुम्हारे इर्द गिर्द छा चुकी होगी, पर ये वो टाइम होगा जब तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि क्या मैं यहाँ पर जिंदगी की दौड़ दौड़ना छोड़ दूँ, या मैं फिर उठूँ, फिर ट्राई करूँ, फिर फेल हूँ और फिर उठूँ। और इवेंचुअली एक टाइम तुम ऐसे उठोगे कि फिर कभी नहीं नीचे गिरोगे, ये मेरा तुम्हारे साथ वादा है। और लास्टली खुदा को ना भूलना, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हम अपनी किस्मत बदलने के लिए भागते रहते हैं, बस हम कहते हैं कि यार ये एक चीज़ मेरे साथ हो जाए और मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। हम भागते रहते हैं पर वो चीज़ हमें कभी भी नहीं मिलती, और फिर अब इवेंचुअली एंड में ऊपर वाले सर उठा के ऊपर वाले से पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं करता वो। तो जिस तरह गेम्स के अंदर चीट कोड्स होती हैं, कभी आपने ये सोचा है कि ऊपर एक हस्ती बैठी हुई है जिसके पास आपकी ज़िंदगी की सारी चीट कोड्स मौजूद हैं, और अगर आपको वो चीट कोड्स मिल जाएं तो आप ज़िंदगी के गेम बड़े आराम से जीत सकते हैं। पर इंस्टेड आपको खुदा का ख्याल सिर्फ उस टाइम आता है जब आप ज़िंदगी की गेम हार चुके होते हैं। तो बात यह है कि यार हम खुदा को ढूंढे बगैर इस ज़िंदगी की गेम को जितनी चाहे जीतने की कोशिश कर लें, हम इवेंचुअली उसी के पास आएंगे मदद के लिए। तो खुदा से मांगो और उसको उस टाइम पर भी याद रखो जब सब कुछ सही चल रहा है, और हमेशा उसका शुक्र करो क्योंकि वो शुक्र करने वालों को और भी ज़्यादा देता है। खैर आई थिंक थोड़ा सा इमोशनल सीन हो गया है, लेकिन सही बात ये है कि यार जो बातें मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई हैं ये सारी वो चीज़ें हैं जो मेरे साथ हुई हैं, और मैंने इवेंचुअली नाकामियों से अपने फेलियर से सीखा है। और आज मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ क्योंकि मेरे पास आज वो सब चीज़ें हैं जो कि शायद मैं डिज़र्व भी नहीं करता। सो या दैट वाज टुडेज़ वीडियो। ये ऐसी वीडियोस बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि आपको ज़िंदगी की रियलिटीज़ के बारे में बताया जाए, और जब आप इवेंचुअली इनसे गुजरें तो आप खो ना जाएं। और अगर इस वीडियो ने किसी भी तरीके से आपकी हेल्प की है, या आप समझते हैं कोई आपका दोस्त है जो जिससे इसको फ़ायदा हो सकता है, तो टैग देम बिलो एंड शेयर दिस वीडियो विद देम।
और होपफुली आई विल सी यू इन अनदर वीडियो. हाफिज़.